तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू महेश प्रजापति चैनल। मेरा नाम है संदीप शाह। तो आज हम गोल्डन रूल्स करेंगे। अकाउंट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल से ये है, ये आपको आना ही चाहिए। ये अगर नहीं आया तो लाइक पानी कम चाय है। ओके, सो ये अकाउंट जो है हमने या तो गोल्डन रूल्स फर्स्ट किया है। उसके टाइप्स क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हमने वो किया है। देन उसका भी एक्सप्लेनेशन हमने ये वीडियो में बताया है। पर्सनल लोन क्या क्या होता है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल रूल्स क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स में हमारे थ्री टाइप हैं, रियल, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होता है, हम इसे यूज़ क्यों करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो रियल अकाउंट तो फर्स्ट हम करेंगे पर्सनल अकाउंट में थ्री टाइप है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये हमने जो किया है गोल्डन रूल्स में थ्री टाइप्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर हमने पर्सनल स्टार्ट किया। पर्सनल अकाउंट में थ्री टाइप है, ठीक है, नेचुरल पर्सन आते हैं उसमें, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल पर्सन क्या है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, नेचुरल पर्सन आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है नेचुरल पर्सन क्या है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन लाइक ए विशाल अकाउंट, ये क्या है, पर्सन है, तो ये हो गया नेचुरल पर्सन। रोहित, राहुल, सचिन, ये हो गया क्या है, पर्सन है। ठीक है, तो जितने भी पर्सन के रिलेटेड अकाउंट बनेंगे, राम, श्याम, रोहित, सचिन, ये आते हैं नेचुरल पर्सन में, अंडर पर्सनल अकाउंट में। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, जितने भी एलटीडी, जितने भी कंपनियां हैं, कंपनियां, ठीक है, जितने भी कंपनी है लाइक रिलायंस एलटीडी, विप्रो एलटीडी, अदानी एलटीडी, टाटा, तो ये क्या है, कंपनी है। ये कहाँ आ गए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में। जितनी भी अगर नाम कंपनी के आगे, किसी नाम के आगे एलटीडी लग गया, समझ लेना वो पर्सनल अकाउंट है, किसी भी नाम के आगे। ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो नाम चाहे रोहित, रोहित एलटीडी कर देंगे, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन में आ गया। ठीक है, अगर सिर्फ रोहित अकाउंट बोलेंगे, रोहित अकाउंट, तो ये क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट में। और रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अनपेड है, कैपिटल अकाउंट है, लाइक आउटस्टैंडिंग, आपने किस से पैसा लिया है, आपको देना है, बाकी है देना आप, तो वो आ जाता है आउटस्टैंडिंग में। प्रीपेड, आपने रिचार्ज एक साल का पहला ही, एक साल का एक साथ ही कर दिया है, ये पूरा ईयर का आपने एक साथ ही प्रीपेड कर दिया है रिचार्ज को, तो वो आता है प्रीपेड। अनपेड, बाकी है आपको पेड करना है, कैपिटल अकाउंट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, पर्सनल अगर भी लगे, नेचुरल पर्सन, विशाल, रोहित, राहुल, सचिन, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आर्टिफिशियल, रिलायंस एलटीडी, एलटीडी लग गया मतलब पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल है ये। ठीक है, विप्रो एलटीडी, अदानी एलटीडी, टाटा एलटीडी, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग से ये IMP में कर रहा हूँ इसको। ये जो डेबिट द रिसीवर है, जो भी आप रिसीव करोगे, ओके, वो आपका डेबिट होगा, और जो भी आप गिवर, जो भी आप दोगे, वो आपका क्रेडिट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विशाल पेड, विशाल पेड कैश, ठीक है, विशाल ने क्या किया, पेड किया, क्या पेड किया, कैश पेड किया, तो विशाल अकाउंट, विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो विशाल ने क्या किया, पर्सन, पर्सन डेबिट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सन डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। वैसे ही अगर होता, अगर इसकी जगह कैश की जगह लाइक कंपनी होता, तो हम यहाँ पे कंपनी डाल देते, रिलायंस LTD डाल देते, तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जितने भी नेचुरल पर्सन हो गए, नाम जैसे कि विशाल, रोहित, राहुल, सचिन, LTD, रिलायंस कंपनी का, जितने भी कंपनी आ गए, LTD, विप्रो, अदानी, टाटा, वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग जितने भी हैं आपके, प्रीपेड हो गया, अनपेड हो गया, कैपिटल अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट में जाता है। देन सेकेंड हम करेंगे
सेकेंड हम करेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल असेट, एक इनटेंजिबल असेट। ठीक है, टेंजिबल असेट जो हम टच करके देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फर्नीचर वी कैन टच, बिल्डिंग वी कैन टच, वी कैन स्टे देयर, लैंड वी कैन टच, वी कैन प्ले देयर, वी कैन स्टे देयर ऑल्सो, कंप्यूटर वी कैन यूज, ये सब हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं, इसे टच कर सकते हैं, बट इनटेंजिबल हम फील कर सकते हैं, वो भी असेट में ही आता है हमारे, वो हमारा असेट ही है जो मोर देन वन ईयर से आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे। ठीक है, और प्रॉफिट दे वो आपका रियल असेट है, मोर देन वन ईयर। फर्नीचर आप कुछ भी खरीद लो, कुछ भी फर्नीचर में कर दो, एक साल से ज़्यादा ही टिकता है। बिल्डिंग बहुत ही 50 साल 100 साल आराम से टिक जाएगा। लैंड, लैंड भी, ये सब, ये लैंड जो है ये रहेगा ही रहेगा, आपको प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तो ये लैंड क्या आ गया? रियल अकाउंट में आ गया। कंप्यूटर ये सब क्या हो गया? रियल में आ गया। ठीक है, ये आप कंप्यूटर परचेस करोगे, यूज़ करोगे, वैसे एक साल तक यूज़ करोगे, फिर आप इसे सेल कर दोगे, आपको पैसा आएगा, वो हो गया टेंजिबल असेट, रियल में आता है। ओके, और इनटेंजिबल असेट लाइक किसी भी कंपनी, ठीक है, लाइक ब्रांड वैल्यू, कोई भी कंपनी का ब्रांड वैल्यू, फॉर एग्जांपल टाटा। ठीक है, टाटा ये क्या है? ब्रांड है, ब्रांड का वैल्यू है मार्केट में, इसका वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, हम इसको देख महसूस कर सकते हैं। ठीक है, टाटा महसूस कर सकते हैं, हाँ इसका ब्रांड है, गुडविल से ही गुडविल करते हैं, गुडविल लाइक अ ब्रांड का, ब्रांड जो है लाइक टाटा जो है एक सब गुडविल मार्केट में है, स्टेबल है, गुडविल है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई भी जाता है टाटा का स्टॉल खरीदता है, टाटा का कंपनी लाइक टाटा का बहुत सारी कंपनी है, टाटा बाटा है, टाइटन है, ये सब कंपनी है टाटा के, सो एक ब्रांड इमेज होता है, एक गुडविल बनता है मार्केट में इसका। पेटेंट, पेटेंट लाइक ये भी हम जो है इंटेंजिबल असेट में आता है पेटेंट, लाइक आपने कोई भी किसी भी लाइक कोई बीमारी फैल गई है उसका आपने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, आपने उसका फॉर्मूला बनाया और गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे आपको कॉपीराइट दे दिया, कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट दे दिया, ये आर करके आप लिखोगे, आप दिखा रहेगा हर कंपनी के सामने आजू बाजू में लिखा रहता है आर करके, तो पेटेंट हो गया, ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर है, तो ये कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता उसे, आप ही सिर्फ यूज़ कर सकते हो उस पेटेंट को। अगर आप इसे सेल करते हो तो आपको पैसा आएगा, आपको हर मंथली रिसीव होगा। ओके, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉन्ग बना दिया, सॉन्ग बना दिया, हाँ तो सॉन्ग आपने बनाया, लिखा, उसे रिलीज़ किया, तो वो सॉन्ग को कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है, आप किसी पर, अगर वो यूज़ करता है उस सॉन्ग को तो आपको, वो आपको पे करेगा क्योंकि आपने उसे सॉन्ग को रजिस्टर किया है गवर्नमेंट के अंडर। तो सिंपल सा रियल अकाउंट का है, जितने भी हमारे असेट है, टेंजिबल इनटेंजिबल, जितने भी हमारे असेट है टेंजिबल इनटेंजिबल, वो सब हमारे आते हैं रियल अकाउंट में। ओके, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, का मीनिंग है जो भी आपने परचेस किया है, जो भी आपके पास फर्नीचर में आ रहा है, ओके, फर्नीचर में आ रहा है, जो भी असेट में आ रहा है वो आप उसे डेबिट करोगे, जो भी जा रहा है उसे आप क्रेडिट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, तो आपका अकाउंट बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओके, टू 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 कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपके पास फर्नीचर आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है आपके पास, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यहाँ से क्या जा रहा है टू कैश अकाउंट, कैश क्या जा रहा है आपके पास, जा रहा है तभी आपके पास फर्नीचर आ रहा है। ओके, तो आपने बिल्डिंग खरीद लिया, तो बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, तो आपने बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास जा रहा है, वो होता है रियल अकाउंट। तो आपको मोर देन वन ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट है, फर्नीचर आप परचेस करोगे तो वन ईयर से ज़्यादा ही टिप आपको यूज़ होगा, बिल्डिंग भी, तो ये होता है रियल अकाउंट। जो भी आपका असेट है
टेंजिबल इनटेंजिबल दो पार्ट में है, टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल असेट इनटेंजिबल, ये आपका क्या है प्रॉफिट है, आप इसे बेचोगे तो आपको इसे पैसा मिलेगा। ओके तो नेक्स्ट हम करेंगे नॉमिनल रूल्स, नॉमिनल रूल्स नेक्स्ट, नॉमिनल रूल्स नॉमिनल रूल्स। तो हमारे नॉमिनल रूल्स में क्या होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम्स, ओके ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम जो भी हमारा है वो सब नॉमिनल रूल्स में आता है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, रेंट पेड, आपने रेंट पेड किया, आप रेंट पे रह रहे हो, आपने रेंट पेड किया वो आता है नॉमिनल रूल्स में। ठीक है, सैलरी पेड की आपने, सैलरी पेड किया आपने, आपके आपका आपका बिजनेस है, आपकी 100 एम्प्लॉयज़ है, तो 100 एम्प्लॉयज़ का आपने क्या किया सैलरी पेड किया, वो आपका क्या है एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल, वो आपका जो भी बिल्डिंग है फिर टेलीफोन होगा, टेलीफोन बिल आपने पे किया, गैस बिल पे किया, ठीक है, तो वो आपका क्या है एक्सपेंस हो गया, ये सब आपके एक्सपेंस है। ठीक है, देन ऑल इनकम, जितने भी आपके इनकम्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, जॉब करते हो, आपके पास कमीशन आया, आपने बहुत ही अच्छा जॉब किया तो आपके बॉस ने आपको ज़्यादा सैलरी दिया, ठीक है, आपका समझिए 25,000 सैलरी है, आपको 25,000 प्लस आया, तो क्या है वो आपको कमीशन है, कमीशन आपने रिसीव किया, ठीक है, रेंट रिसीव किया, आपका दो घर है, आपका एक घर है एक्स्ट्रा है, आपने उसे रेंट पे दे दिया है, ठीक है, रेंट पे दे दिया है, अब वो रेंट हर महीने रेंट आ रहा है उससे, तो क्या हो रहा है रेंट आप रिसीव कर रहे हो, मनी रिसीव कर रहे हो, तो क्या हो गया ऑल इनकम्स में आता है। जितने भी वन ईयर, लेस देन वन ईयर, ये सब हमारे लेस देन वन ईयर के हैं, सो ये सब नॉमिनल्स में आते हैं, लेस देन वन ईयर जो प्रॉफिट देते हैं, रेंट आपको एक साल तक हर महीने आप पे करोगे, सैलरी आप हर महीने आप पे करोगे, ओके, तो ये आ गया लेस देन वन ईयर। तो डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ओके, तो आप फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री ले लेते हैं हम, राम रेंट पेड, ओके रेंट पेड, आपका समझिए आपका नाम रेंट राम है, ठीक है, आपने रेंट पेड किया 5,000 रुपये, आप पेड किया, आपने रेंट पेड किया, तो आपके पास डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो डेबिट क्या है रेंट है, ठीक है, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके आपने रेंट पेड किया, कैसे पे किया कैश में पे किया, तो ये एंट्री आएगा रेंट पेड किया, अगर आपने रेंट रिसीव किया होता तो कैश आता, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो अगर आपने रेंट रिसीव किया होता कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हमारा हो गया, आपने कैश रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, ओके तो यहाँ पे रेंट रिसीव आएगा, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट की जगह रेंट रिसीव्ड आएगा, ओके रेंट रिसीव आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, आपके पास कैश आ रहा है किसके जरिए आ रहा है, आपने रेंट रिसीव किया है, आपका आपका रूम है, आपने रेंट भी दिया है, वो रेंट आ रहा है, ओके तो नेक्स्ट एंट्री होगा सैलरी पेड, आपने क्या किया सैलरी पेड किया, ओके तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके आपने क्या किया सैलरी पेड किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वैसे आपने टेलीफोन बिल पेड किया, टेलीफोन टेलीफोन बिल अकाउंट, ओके टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपने टेलीफोन बिल पे किया कैश में पे किया, कि वैसे ही आपने गैस बिल पे किया, ठीक है, तो गैस बिल गैस अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने गैस बिल पे किया, तो गैस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अगर आप वैसे ये सब जितने भी ये एक्सपेंस मैंने एक्सप्लेन किया है वही आप अगर रिसीव करते हो इनकम, ओके इनकम रिसीव करते हो, कमीशन रिसीव करते हो,
तो कैसे जाएगा कमीशन, आप कैसे रिसीव कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश में रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव अकाउंट, रिसीव अकाउंट, ओके। तो आप ब्रेंट रिसीव कर रहे हो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट रिसीव अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट हमने क्या किया था, डेबिट को हमने जो भी हमारे एक्सपेंस थे हमने उसे डेबिट किया था, जो भी हमारे क्रेडिट जो इनकम है उसे हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। तो ये हमने क्रेडिट किया है। और देखिए अगर मैं रेंट का एग्जांपल देता हूँ तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा इनकम है, ठीक है, इनकम इनकम है। मैंने रेंट रिसीव, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेंट रिसीव किया, तो रेंट को क्या किया, डेबिट क्रेडिट किया मैंने, तो हमने क्रेडिट किया। और यहाँ पे मैंने रेंट को डेबिट किया मतलब हमने पेड किया, ठीक है, तो रेंट डेबिट हुआ तो पेड हुआ, ओके। तो ये आपको याद करना पड़ेगा नॉमिनल में क्या आता है, रियल में कौन कौन से आते हैं, पर्सनल में क्या क्या आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम करेंगे, हम नेक्स्ट हम करेंगे, आप बताइए हमें क्या क्या आते हैं। विशाल, विशाल अकाउंट किस में आते हैं, एक बार बीफ्री ले रहा हूँ मैं, जो भी है जो हमने सिखाया है क्या 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 किस में आते हैं। तो विशाल किस में आ गया, विशाल क्या है, पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, ये हो गया पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट, ओके। देन रिलायंस, रिलायंस एलटीडी लग गया मतलब पर्सन अकाउंट, एलटीडी लग गया मतलब पर्सनल अकाउंट, ओके। देन गुडविल, गुडविल किस में आ गया, गुडविल रियल में आ गया, रियल अकाउंट में आ गया गुडविल, ओके। देन फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर एक साल से ज़्यादा प्रॉफिट देगा, फर्नीचर भी आ गया रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट। देन कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव है नॉमिनल अकाउंट, कमीशन, कमीशन आप रिसीव कर रहे हो, तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देन टेलीफोन पेड, आपने क्या किया, टेलीफोन बिल पे किया, तो ये आ गया नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट, ओके। देन अनपेड, अनपेड याद कीजिए, अनपेड आउटस्टैंडिंग, अनपेड आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो गया हमारा, पर्सन हो गया, पर्सन, पर्सन अकाउंट हो गया, पर्सन, पर्सन अकाउंट हो गया, ओके, पर्सन, पर्सन अकाउंट। देन रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, रेंट पेड, रेंट रिसीव, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हमने गोल्डन रूल्स टोटली क्लियर कर दिया है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। देन अब हमने अपना जितने भी बेसिक सब क्लियर कर दिया, अब हम डायरेक्टली एंट्री पे जाएंगे, ओके। एंट्री पे जाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड चैप्टर में हम डायरेक्टली एंट्री करेंगे। जो भी आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे, देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर का और नॉमिनल्स गोल्डन रूल्स का ये वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग महेश प्रजापति चैनल, सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।